हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे पकोड़े वाली कढ़ी। ये वाली कढ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सुपर सॉफ्ट हमारे पकोड़े बनेंगे और कढ़ी भी एकदम स्मूथ बनती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ी के लिए घोल तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में हम 1.5 कप दही डाल देंगे। दही थोड़ा खट्टा लेंगे, जिससे कढ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको हम अच्छे से फैट लेंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो दही को हमने अच्छे से फैट लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम इसके अंदर 1/3 कप बेसन डाल देंगे। बेसन को हम छान कर लेंगे, जिससे इसमें लम्स नहीं बने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ये प्रोसेस मिक्सर जार में भी कर सकते हो, या फिर आप ब्लेंडर से भी कर सकते हो। तो ये हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम स्मूथ बैटर हमारा बन के रेडी है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो 4.5 से 5 कप जितना पानी डाल देंगे हम नाप से। तो ये हमने यहाँ पर 4.5 कप जितना पानी डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो ये हमारा कढ़ी का घोल बनके रेडी है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। अभी आपको कढ़ी थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन जब ये उबलेगी तो और गाढ़ी हो जाती है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम पकौड़े के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम 1 कप बेसन ले लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम पानी डालेंगे और इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे पकोड़े के लिए। बैटर को हमको सेट होने के लिए रखना है, इसलिए हम इसको पहले से ही बना के रख देंगे। तो कढ़ी उबलने में टाइम लगेगा, जब तक कढ़ी एक साइड उबलेगी ये बैटर हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, एकदम स्मूथ बैटर इस तरीके से बना लेना है। बाकी के मसाले हम इसमें बाद में डालेंगे, अभी खाली हमको ये बैटर बना के ही रखना है। तो इसको हम अब ढक के सेट होने के लिए रख देते हैं। अब हम कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर लेंगे और कढ़ी को उबालने के लिए रख देंगे। तो एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख देंगे और उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून घी गरम करने के लिए रख देंगे। घी की जगह आप तेल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन घी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है, इसमें हम 1/2 टीस्पून राई डाल देंगे और 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। दोनों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। राई जीरा क्रैकल हो गए, 1/2 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया डालेंगे। इसमें साबुत धनिया और मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके डालेंगे, 1/2 टीस्पून अदरक को हम ग्रेट करके डालेंगे, 8 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे। तड़के को थोड़ा हल्का सा हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, जिससे कच्चापन इसका निकल जाए। तो तड़के को हमने हल्का सा फ्राई किया है। अब हम इसके अंदर कढ़ी का घोल डाल देंगे, जो हमने बना के रखा है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, जब तक एक अच्छा उबाल आ जाए। एक उबाल आ जाए, उसके बाद हम इसको अपने आप उबलने देंगे। तो हम इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम करके। कढ़ी को हम लगातार नहीं चलाएंगे तो कढ़ी फट जाएगी और कढ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, स्मूथ भी नहीं बनेगी। इसलिए हमको इसको इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है, जब तक इसमें एक अच्छा उबाल आ जाए। तो फ्रेंड्स, कढ़ी में एक अच्छा उबाल आ गया है। आप देख सकते हो कढ़ी का कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से एक अच्छा उबाल आ जाए, कढ़ी अच्छे से उबलने लग जाए, तब तक हमको इसको लगातार चलाते रहना है। अब इसको लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, गैस की फ्लेम मीडियम करके इसको हम अपने आप उबलने देंगे
और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। कढ़ी को हमको टोटल आधा घंटे के लिए उबालना है। अब हम पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। बैटर को हमने रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। बैटर हमारा सेट हो गया है। अब हम इसको अच्छे से फैट लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से 8 से 10 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए फैट लेंगे। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है तो आप इसके अंदर एक पिंच सोडा डाल के पकौड़े बना सकते हो, तो भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और इसमें हमको सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको अच्छे से फैट रहे। तो आप देख सकते हो बैटर का कलर लाइट हो गया है। इसको हमने अच्छे से फैट लिया है। एकदम परफेक्ट हमारा पकौड़े के लिए बैटर बन के रेडी है। अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon अजवाइन, 1 हरी मिर्च को बारीक कट करके डालेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 tablespoon हरा धनिया डाल देंगे। इसमें आप चाहे तो मेथी भी डाल सकते हो और पालक भी डाल सकते हो और प्याज भी डाल सकते हो अगर आप प्याज खाते हो तो। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने तेल पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा गरम हो जाए उसके बाद हम इस तरीके से पकोड़े बना लेंगे। आप अपने हिसाब से इसके छोटे साइज़ बड़े साइज़ के पकोड़े बना सकते हो। एक बार में कढ़ाई में जितने आ जाए उतने हम पकोड़े बना लेते हैं और गैस की फ्लेम मीडियम करके हम पकोड़े बनाएंगे जिससे अंदर से ये कच्चे नहीं रहे और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। अब हम चलाते रहेंगे। पकोड़े एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर के हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब एकदम परफेक्ट कलर आ गया है, आप देख सकते हो। इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। 2 बार करके हम फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सारे पकोड़े हमने फ्राई कर लिए हैं और कढ़ी को उबलते हुए आधा घंटा हो गया है। आप देख सकते हो कढ़ी उबल उबल के कम भी हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसके अंदर पकोड़े डाल देंगे और गैस हम बंद कर देंगे। तो सारे पकोड़े हमने डाल दिए हैं। एक बार हम इसको चला लेते हैं। तो इसको हम इसी तरीके से भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो इसके ऊपर हम एक और तड़का लगा लेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में हम 1 tablespoon घी गरम कर लेंगे। उसमें हम 1/4 teaspoon राई और 1/4 teaspoon जीरा डाल देंगे। दोनों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे, 2 से 3 कड़ी पत्ता डालेंगे, 1 pinch हींग डालेंगे। अब हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो हम गैस बंद करके डालेंगे, गरम तेल में डालेंगे तो जल जाती है लाल मिर्च, इसलिए हम इसके अंदर गैस बंद करके इस तरीके से लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और तुरंत तड़का हम कढ़ी में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। तो ये हमारा दूसरा तड़का बन के रेडी है। एकदम परफेक्ट कढ़ी दिख रही है, आप देख सकते हो। कलर भी बहुत ही अच्छा आया है कढ़ी का, एकदम स्मूथ कढ़ी बनी है और ये पकोड़े एकदम सुपर सॉफ्ट बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी पकोड़े वाली कढ़ी बनके रेडी है। इसके पकोड़े सुपर सॉफ्ट बने हैं और कढ़ी भी एकदम स्मूथ बनी है। इसको आप वाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हो या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हो। पराठे के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हो एकदम गर्मा गर्म कढ़ी है, एकदम स्मूथ है। और मैं पकोड़े भी आपको कट करके दिखाती हूँ, पकोड़े भी एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कुकिंग।